हेलो किड्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास थर्ड हिंदी ग्रामर का पेज नंबर 11 और 12 रीड करेंगे। तो चिल्ड्रन, आज आपको मेरे साथ पेज नंबर 11 अच्छे से रीड करना है। हमने यहाँ तक रीड कर लिया था कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन यानी हम जो जो व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो जब वो मुख से मुख के भीतर विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन क से लेकर म तक संख्या में 25 है, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे, कौन से 5 वर्गों में बांटा गया है। इनके क्रम, वर्ग, व्यंजन और उच्चारण स्थान दिए गए हैं। यानी वर्ग पहला है क वर्ग। इसमें ये व्यंजन है क से लेकर ड तक, क ख ग ड ण। उच्चारण स्थान कंठ। सेकेंड वाला है च वर्ग, च छ ज ज ण, यानी तालु। थर्ड वाला है ट वर्ग, ट ठ ड ण ण, मूर्धा उच्चारण। इसमें उच्चारण स्थान है मूर्धा। त वर्ग में त थ द ध न, यानी उच्चारण स्थान दंत। प वर्ग में है प फ ब भ म, ओष्ठ। इस प्रकार इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। सेकेंड वाला अथ स्थ व्यंजन, य र ल तथा व अथ स्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतरी भागों को मामूली सा स्पर्श करती है। थर्ड वाला है उष्म व्यंजन। उष्म का अर्थ है गर्म, यानी जो उष्म है उसका मीन है गर्म। कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों में रगड़ रगड़ खाती हुई बाहर आती है। व्यंजनों में इस रगड़ के साथ बोलने पर गर्मी उत्पन्न होती है, इस कारण ये वर्ण उष्म व्यंजन कहलाते हैं। यानी हम जो व्यंजन से व्यंजनों में इस रगड़ के साथ बोलने पर गर्मी उत्पन्न होती है, इस कारण ये वर्ण उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 है। ये है श स स ह, इनकी संख्या 4 होती है। यानी जो उष्म व्यंजन है इनकी संख्या 4 होती है। ध्यान दीजिए, व्यंजन स्वर की सहायता के बिना अच्छी तरह से नहीं बोले जाते जा सकते। यानी जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से अच्छे से नहीं बोले जा सकते हैं। अतः इसके साथ अ जोड़कर लिखा जाता, सॉरी, इनके साथ अ जोड़कर लिखा और बोला जाता है। यानी इन व्यंजनों के साथ अ जोड़कर लिखा और बोला जाता है। जैसे क, तो क प्लस अ, ख, ख प्लस अ, ट, ट प्लस अ, प प्लस अ आदि। अतिरिक्त व्यंजन ड तथा ण, ण और ण अतिरिक्त व्यंजन के रूप में वर्णमाला में स्थान पाते हैं। ट वर्ग में ण तथा ण के नीचे बिंदु लगाने पर उनके स्वरूप ड ण, सॉरी ड ण तथा ध्वनि में अंतर आ जाता है। उदाहरण देखिए, ड डर डाली ठंड, ड पकड़ सड़क लड़ाई, ड ढेर ढीला ढोल, ड बूढ़ा पढ़ाई चढ़ाई। संयुक्त व्यंजन श, 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 त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन है। दो व्यंजनों के संयोग से बनने के कारण ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। श, त्र, श, क प्लस श, अक्षय, क्षमाशन। त्र, त प्लस र, पत्र, चित्र, सत्र। ज्ञ, ज प्लस न, ज्ञान, यज्ञ, अज्ञात। श, श प्लस र, श्रम, आश्रम, श्रवण। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी ही अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है तो द्वित्व ध्वनि की रचना होती है। जैसे क प्लस क, क क चक्कर, लक्कड़। ट प्लस ट, ट ट टट्टू, पट्टा। च प्लस च, च च आधा, च आधा क का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही आधा स, इनमें आधी चीजों का, यानी जो आधे वर्ड है, यानी आधा क आधा स का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार कच्चा रस्सी, सच्चा रस्सी, अस्सी। स प्लस स बराबर स, रस्सी अस्सी। अयोग्य वह, हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण भी हो हैं, अ और अ, ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं।
परंतु ये न तो स्वरों की गणना में आते हैं और न ही व्यंजनों की गणना में स्वरों के साथ प्रयोग किए जाने के कारण ये व्यंजन भी नहीं बन पाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से प्रयोग न किए जाने के कारण इन्हें स्वर भी नहीं कहा जा सकता है। किसी के भी साथ स्थान न पाने के कारण इन्हें अयोग्य वह कहा जाता है। किसी के भी साथ जो स्थान न पाने पर उनको अयोग्य वह कहा जाता है। अनुस्वार तथा अविसर्ग कहलाता है। अनुस्वार नसल अनुस्वार का उच्चारण वर्गों सॉरी वर्णों के पहले पांच वर्गों क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग के अंतिम वर्णों के अर्धांश के समान नासिक सॉरी नासिका से होता है, जैसे कंदा चंचल शंख आदि। अनुनासिक यानी सेमी नसल इसे चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। चंद्रबिंदु का चिन्ह ये है, यानी ये चंद्रबिंदु का चिन्ह होता है। इसमें अनुनासिक सॉरी इसमें स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। जैसे जैसे मुंह हंस आँख चांद आदि। विसर्ग संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के साथ विसर्ग की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ये विसर्ग होता है, इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे अतः पुनः प्रातः आदि। याद रखिए इनको, कुछ अपने यहाँ पे डिटेल दी गई है, इनको हमें अच्छे से याद रखना है। म सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सकते हैं वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या कौन कहला सॉरी वर्ण किसे कहते हैं हम, यानी म छोटी ध्वनि जिसके और अन्य टुकड़े नहीं होते वह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये दो प्रकार के वर्ण होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती उन वर्णों को स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। आई होप आज आपको पेज नंबर 11 12 अच्छे से समझ में आया होगा। और हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में से क्वेश्चन आंसर और पेज नंबर 13 फिलअप करेंगे। ओके।